सूचना पर 64,000 रुपए के इनामी चार कुख्यात पादी बदमाश धर्रादा थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने गिरफ्तार कर एक महती सफलता हासिल की। इस सफलता के चलते आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इन अपराधियों के प्रकरणों के बारे में पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि पारदियों की एक टोली जो कि फतेहगढ़ रोड पर लूटपाट की योजना बना रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर इन पारदियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन अंधेरा होने के चलते वहां से कुछ पारदी फरार हो गए। यहां एक बात समझ से परे है कि इन चारों इनामी पारदी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें से एक सीताराम पारदी, जिसको बताया जा रहा है कि 40,000 का इनामी है, इसको पहले भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। सीताराम पारदी सितंबर 2016 में पुलिस के हत्थे चढ़ा था, जिसकी गिरफ्तारी कर उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो आधिकारिक सांठगांठ के चलते इसे एक माह के भीतर ही रिहाई मिल गई थी। बाकी के केसों का भी निपटारा कर दिया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि इसमें कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक के पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिसके चलते काफी तगड़ा लेन देन भी हुआ था। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टर सूत्रों के आधार पर इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, पर सवाल यह आता है कि जब सीताराम पारदी को 4 दिसंबर 2016 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो फिर अब इनाम किस बात का। आपको यह भी बता दें कि इस पारदी के द्वारा चार संगीन अपराधों को उसकी गिरफ्तारी के बाद ही अंजाम दिया गया, जिसमें आरक्षक मनोज रघुवंशी पर हुए गोलीकांड भी शामिल है। यदि इस आरोपी को पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में छोड़ा नहीं गया होता तो हाल ही में पुलिस आरक्षक मनोज रघुवंशी पर गोलीकांड भी नहीं होता। इसके साथ ही कई अन्य संगीन अपराध जो इसने घटित किए हैं, वह भी नहीं होते हैं। वहीं जब सीताराम की गिरफ्तारी की गई थी, उसके साथ उसके दो अन्य पारदी साथियों को भी गिरफ्तार किया था, जिनमें एक शक्ति पारदी और दूसरा सीताराम पारदी का बड़ा भाई दिलीप भी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। जब इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक से जानकारी लेना चाही तो उन्होंने जानकारी न होने का कहकर जांच की बात कही। अब यह तो पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो पाया कि जब 2016 में जिस अपराधी को पकड़ा गया था, उस पर दोबारा इनाम रखने की क्या वजह थी और ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी कुर्सी बचाने के चलते या फिर पारदियों पर इनाम बढ़ाने के लिए इस तरह से गिरफ्तारी कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। आखिर सीताराम पारदी, जिसको सितंबर 2016 में पकड़ा गया था, उसमें कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका रही और बाद में उसको छुड़वाने में किन किन अधिकारियों का हाथ रहा, यह तो जांच का विषय है, जिसको जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये बेसिकली डकैती का प्रयास करते हुए हम लोगों ने कुछ पारदियों को पकड़ा है, जिसके अंदर एक सीताराम पारदी करके है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। 2004 में इसके द्वारा जो एक हत्या का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसके अंदर चार पारदी गुटों में झगड़ा होने के बाद में चार पारदियों की हत्या कर दी गई थी। तो 2004 में उसमें 302 का मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, उसमें ये आरोपी था। उसके बाद में फिर लगातार तीन मामले ऐसे हुए जिसके अंदर इसने पुलिस की जब वहाँ पे पकड़ धकड़ के लिए पुलिस गई थी तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया है। हाल फिलहाल में 2018 में भी एक मामला हुआ था, जिसके अंदर आरक्षक मनोज करके जो गुना पुलिस बल से था, वो सभी पुलिस टीम जब गई थी वहाँ पे पकड़ धकड़ करने के लिए, तो उसमें फायर करके और उसके गाल में से गोली चली गई थी, तो वो इंजर भी हुआ था। उसी मामले में ये भी वारंटी था, जिसमें इस पर 10,000 का इनाम डिक्लेयर हो चुका था। तो कुल मिला के 50,000 का इनाम इसके ऊपर था, उस पारदी को हमने पकड़ लिया है। साथ साथ में उसके साथ में उसके जो साथी है अनिल पारदी और जय पारदी, उनको भी पकड़ा है। ये बेसिकली गुना फतेहगढ़ रोड के पास में डकैती का प्रयास करते हुए सामानों के साथ में पकड़े गए। क्या क्या बरामद किया गया हुआ है इनके साथ में? जो एक तो कट्टा बरामद हुआ है, साथ साथ में रस्सी वगैरह, कंबल और कुछ टॉर्च वगैरह